ॐ नमो भगवते मां श्री अरविन्दाय। दिव्य शक्ति श्री माता जी, श्री अरविंद ने मां भगवती के स्वरूपों के कार्यों को समझाने के लिए एक छोटी पुस्तिका लिखी है, उसका नाम है मां। इस पुस्तिका में श्री अरविंद ने मां भगवती के विविध रूपों और उनके लाक्षणिकताओं का वर्णन किया है। उनके शिष्य के पूछे गए प्रश्न, मां भगवती कौन है, उसके उत्तर में मां भगवती के स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया है। वे कहते हैं, जिस एक परम तत्व को हम मां भगवती के रूप में आराधना करते हैं, वह अखिल सत्ता के ऊपर अधिष्ठान करने वाली दिव्य चित शक्ति है। अर्थात मां भगवती यह परम तत्व ही है, उनके और परम प्रभु के बीच कोई अंतर नहीं है। जब परम तत्व दिव्य चित्ति शक्ति के रूप में प्रकट होता है, तब वह मां भगवती बनता है। यह तो सर्व आविर्भावों से पर ऐसी परमात्मा की सजग संकल्प शक्ति है। वह अंतरूपिणी सर्वव्यापी सर्वत्र स्थित है, वह सर्जनहार है। यह दिव्य चित्ति शक्ति मां भगवती तीन स्वरूप में स्वयं को प्रकट करती है। प्रथम स्वरूप आद्या परमा शक्ति रूप में वह है। यह आद्या जननी उद्व में परमात्मा के लोक और अपनी अविद्या की सृष्टि में कड़ी रूप है। दूसरा जगदम्बा रूप, इस स्वरूप में मां भगवती विश्व में व्याप्त महाशक्ति रूप में है। यह महाशक्ति ही सर्व प्राणियों की सर्जनहार है, समग्र विश्व की गति का प्रारंभ धारणा निवास आधार संचालन सब विश्व जननी स्वयं ही कर रही है। तीसरा है व्यक्ति स्वरूप, इस स्वरूप में मां भगवती स्वयं को व्यक्ति स्वरूप में प्रकट करती है। यहाँ वह स्वयं का प्रथम विश्वातीत और दूसरा विश्वव्यापी स्वरूप दोनों को यह वैयक्तिक स्वरूप में प्रकट करती है। मानव की व्यक्तिता और प्रभु की दिव्यता का संयोगीकरण करती है। इसके उपरांत श्री अरविंद जिसे अति मनस सृष्टि कहते हैं, वह मां भगवती विज्ञानमय महाशक्ति के रूप में विराजमान है। ये है मां भगवती का पूर्ण आनंदमय स्वरूप जो विज्ञानमय सृष्टि के अंदर कार्य रूप बनेगा। मां भगवती ही इस अखिल ब्रह्मांड की सर्जिका है, यह अविद्या का जगत भी उसका ही है, सभी कार्य भी उसके ही है, पर वे उतरते प्रकार के सत्व से गढ़े गए हैं। अब इस सृष्टि को पूर्णता वाली बनाना है और वह उतरते प्रकार के सत्वों से नहीं अपितु परमात्मा के दिव्य सत्वों से उसे बनाना है। इसके लिए मां भगवती को व्यक्ति स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा है। मानव प्रकृति को प्रभु की प्रकृति में पलटने का सामर्थ्य तो केवल मां भगवती में ही है। मानव को प्रभु रूप बनाने के लिए मां भगवती स्वयं ही साधना कर रही है। यह साधना अपने चार मुख्य स्वरूप द्वारा वे कर रही है, ज्ञान शक्ति संवाद और पूर्णता। इन चारों स्वरूपों माता महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के मुख्य लक्षण है। ये चारों व्यक्ति स्वरूपों द्वारा दिव्य मां भगवती मनुष्य के अंदर कार्य कर रही है, मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जा रही है। मां भगवती के इन स्वरूपों द्वारा मनुष्य ज्ञान शक्ति संवाद और पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। मां भगवती के इसके अतिरिक्त दूसरे भी व्यक्ति स्वरूप हैं जो अधिकतर पृष्ठभूमि में रहते हैं। उसमें से एक मां भगवती का दिव्य आनंद स्वरूप है, जिसे हम परमानंदिनी अथवा हृदयिनी शक्ति कहते हैं। परम दिव्य जीवन की गुप्त चाबी इस दिव्य स्वरूप में है। मां भगवती के इस स्वरूप का अवतरण 1946 में हुआ था, परंतु
उसे ग्रहण कर सके ऐसा कोई आधार तैयार नहीं था। इस कारण वह स्वरूप वापस अपने मूल धाम में चला गया। माँ पुस्तक में श्री अरविंद ने दिव्य माँ भगवती के इन चार स्वरूपों और अप्रकट आनंदमय स्वरूप के विषय में लिखा। तब उस समय आश्रम में रहने वाले अनेक साधकों के मन में प्रश्न उठता था कि श्री अरविंद ने उद्व भूमिका में स्थित माँ भगवती के विषय में लिखा होगा या फिर आश्रम में सदैव बसते श्री माता जी के विषय में लिखा है। फिर साधकों को मन का समाधान न होने पर उन्होंने श्री अरविंद से सीधा पूछ लिया कि आपने माँ पुस्तक लिखी है वह अपने ही श्री माता जी के विषय में लिखा है। माँ भगवती अर्थात आश्रम में रहने वाली श्री माता जी है। उसके उत्तर में श्री अरविंद ने बताया था कि हाँ, वे अपने ही श्री माता जी है। श्री अरविंद से यह प्रश्न अलग अलग ढंग से 3 बार पूछा गया और प्रत्येक समय श्री अरविंद ने यही उत्तर दिया था कि उसमें वर्णित स्वरूप यह अपनी श्री माता जी के स्वरूप है। इस विषय में एक साधक ने दूसरा प्रश्न श्री अरविंद से पूछा था कि एक ही दिन में अलग अलग समय श्री माता जी का बाह्य रूप क्यों अलग अलग होता है। यह बात इतनी तो स्पष्ट होती है कि उनके शरीर में होते परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके उत्तर में श्री अरविंद ने बताया था कि यह तो उस समय श्री माता जी जिस व्यक्ति स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही होती है उस पर आधारित है। उनके अनेक व्यक्ति स्वरूप है और उनका शरीर इतना स्थितिस्थापक है कि वे प्रत्येक स्वरूप में जो कुछ उस समय विशेष होता है उसे अभिव्यक्त करता है। श्री माता जी के अलग अलग फोटो में भी यह विविध व्यक्ति स्वरूपों के आविर्भाव के दर्शन होते हैं। श्री माता जी ने क्यों देह धारण किया? माँ भगवती ने इस दुखमय जगत में देह धारण करके आने की क्या आवश्यकता थी? वे तो अनेक दिव्य लोक में रहकर भी कार्य कर सकती थी। साधकों के इस प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद बताया कि अब समग्र सृष्टि को पूर्णतामय बनाने के लिए माँ भगवती स्वयं अविद्या के जगत में उतरी है। अंधकार की निम्न भूमिका में वे उतर आई है जिससे तमस को ज्योति के प्रति ले जा सके। इस जगत में असत्य और स्खलन में उतरी है जिससे उसका सत्य में रूपांतर कर सके। मृत्यु लोक में वे आई है जिससे दिव्य जीवन में उसका रूपांतर कर सके। यदि मानव प्रकृति का आमूल परिवर्तन करना हो तो माँ भगवती ने स्वयं मानव प्रकृति धारण करनी पड़ती है। मानव के सभी दुख और यातनाओं में से गुजरना पड़े तो ही उसकी मुक्ति का मार्ग शोध सके। माँ भगवती तो सर्वसमर्थ है, क्या वे स्वयं जादुई चमत्कार करके मानवों के दुख दूर नहीं कर सकती है? इस संदर्भ में श्री अरविंद ने बताया था कि परमात्मा भी लीला की शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं। वे नियमों में फेरबदल कर सकते हैं परंतु उससे पहले उन्हें परिस्थितियों में फेरबदल करना पड़े। अद्भुत चमत्कारों की हारमाला द्वारा वे कार्य में आगे बढ़ते नहीं, इसलिए कि लीला के लिए जिन शर्तों और परिस्थिति का निर्माण किया है उसे स्वीकार करके वे आगे बढ़ते हैं। स्वयं के बनाए गए नियमों का परमात्मा स्वयं उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि नियमों में फेरबदल करना हो तो स्वयं अवतार धारण करके तपस्या करके परिस्थिति में परिवर्तन लाकर फिर नियमों में फेरबदल करते हैं। इस प्रकार श्री माता जी ने देह धारण करके मानव जाति को दुख में से मुक्ति देने की साधना की। श्री अरविंद कहते हैं, श्री माता जी हमारे बीच अंधकार और असत्य, स्खलन और मृत्यु के अंदर
हमारे प्रति गहन और महान प्रेम होने से ही उतर आई है। परमात्मा इस जगत में साधना का पथ बताने के लिए मानवता का आभास धारण करते हैं, बाह्य रीत की प्रकृति धारण करते हैं, इसलिए वे दिव्य मिट नहीं जाते। परंतु मनुष्य परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं। यदि हमारी चेतना इतनी विकसित हो, अथवा तो अर्जुन पर श्री कृष्ण भगवान ने कृपा करके दिव्य दृष्टि दे दी, ऐसी हमारी ऊपर कृपा हो तो हम भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। एक बालक ने श्री माता जी से इस विषय में प्रश्न पूछा कि माता जी, आप हमारे जैसे बनकर क्यों आई? तुम स्वयं ही जिस सच्चे स्वरूप में हो, उस रूप में क्यों नहीं आई? इस प्रश्न के उत्तर में श्री माता जी ने बताया कि यदि मैं तुम्हारे जैसी बनकर नहीं आती तो मैं तुम्हें यह नहीं कह सकती कि मैं जो हूँ वह तुम बन जाओ। मनुष्य को अपने जैसे बनाने के लिए, उसे दिव्य प्रकृति देने के लिए भगवान हमारे जैसे बनकर आते हैं, अपनी दिव्यता को छुपा कर आते हैं, जिससे मनुष्य उनकी निकटता में जा सके और वेद मनुष्य को साधना का पथ बता सके तथा अपने मूल स्वरूप परमात्मा में जीवन धारण कर सके। इस प्रकार दिव्य माँ भगवती मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर आई और मानव जीवन के शोक, दुख, संताप, वेदना और कष्टों को धारण किया, ताकि इन सब का दिव्यता में रूपांतर करके समग्र सृष्टि को वापस प्रकाश, आनंद और शाश्वत जीवन के प्रति ले जा सके। समग्र सृष्टि को पूर्णता वाली बनाने के लिए ये माँ भगवती का ही परम यज्ञ है।